पब्लिक टीवी आपकी आवाज। युवा निर्यातकों के संगठन यश की नई टीम का शुक्रवार को ऐलान कर दिया गया। उदित सरन को पहले ही निर्विरोध अध्यक्ष चुना जा चुका था। शुक्रवार को विशाल अग्रवाल को संगठन का सचिव बनाया गया। टीम की घोषणा के साथ ही यश ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इसमें हस्तशिल्प क्लस्टर में एक नए चैप्टर खोलने और समानांतर एसोसिएशन निकायों के साथ मतभेद कम करने को प्राथमिकता दी गई है। सरकारी विभागों और निर्यातकों के साथ संवाद बढ़ाया जाएगा। यस की नई टीम में सौरभ जैन और गौरव मल्होत्रा को उपाध्यक्ष और राजीव बंसल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। नीरज खन्ना, अनूप शंखधार, रोहित ढल, मनीष अग्रवाल, पुनीत आर्य, संजय गुप्ता, सुचित सरन, रवि कपूर, पुनीत चौधरी, रजत अग्रवाल को बोर्ड सदस्यों में रखा गया है। उदित अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, ऋषि पुगला, अंजू गर्ग, अमित चौधरी, रजत सिंगल, अनूप अग्रवाल, करण दुग्गल, विविध गुलाटी, अभिनव अग्रवाल, अनुराग तपन विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। ईपीसीएच के पूर्व चेयरमैन और निदेशक सुधीर त्यागी, अजय गुप्ता, विनोद खन्ना, सतपाल, सुदेश्वर सरन और सुभाष ढल को संरक्षक मंडल में रखा गया है। संगठन की राष्ट्र परिषद में नीरज खन्ना को अध्यक्ष, रोहित ढल को उपाध्यक्ष और मनीष अग्रवाल को सचिव बनाया गया है। सचिव विशाल अग्रवाल ने बताया कि सदस्य निर्यातकों के साथ संवाद में वृद्धि की जाएगी। निर्यातकों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करके निर्यातकों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। हस्तशिल्प निर्यातक संवर्धन परिषद की मदद से मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानक परीक्षण प्रयोगशाला और हस्तशिल्प उत्पाद निर्यात प्रबंधन के लिए संस्थान की स्थापना की जाएगी। मुरादाबाद में हस्तशिल्प उत्पाद डिजाइन संस्थान खोलने का भी प्रयास किया जाएगा। बाइंग एजेंट्स एसोसिएशन के साथ संवाद स्थापित करके रिश्तों को नई ऊर्जा दी जाएगी। इस मीटिंग का पर्पस जो था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बोर्ड था और टेकिंग ऑफ द चार्ज। हमारे प्रीवियस जो चेयरमैन मिस्टर रोहित ढल थे और सेक्रेटरी मिस्टर मनीष अग्रवाल, उन्होंने आज सक्सेसफुली अपना चार्ज हम लोगों को हैंडओवर किया। मैंने एज ए चेयरमैन ज्वाइन किया और विशाल अग्रवाल की सेक्रेटरी ज्वाइन हुए हमारे साथ। वाइस चेयरमैन की और सौरभ जैन जी ने ली और साथ में गौरव मल्होत्रा जी ने ली और उसके साथ हमारे ट्रेनर श्री राजीव बंसल जी उसके साथ वही हमारे प्रोफेसर के साथ मीटिंग किया और इसके साथ हम इसी श्रृंखला में हमारा बोर्ड है इसके अंदर दस जने और मैंने आपके साथ इसको ऑलरेडी शेयर करी है। नए चेयरमैन के रूप में आपने क्या संकल्प लिया है यह सब आगे बढ़ाने का? एक 9 पॉइंट का एजेंडा हमने इस बार में इंट्रोड्यूस किया है। मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेता हूँ, इसके अंदर हाईलाइट्स आपको बता रहा हूँ। एजेंडा एक जो है, हम लोग यस को नेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं और हस्तशिल्प क्लस्टर जो है यूपी में, यूपी से थोड़े बाहर इधर उधर है, जहाँ की यस का एस्टेब्लिशमेंट हो गया हस्तशिल्प वहाँ से अपने मेंबर्स को हम बढ़ाए जिससे कि वो लोग भी अवगत हो सके, उनकी भी जानकारी में आए कि यस की जो गतिविधियाँ और ट्रेड के लिए कैसे फायदा पहुंचा। दूसरा जो है अलावा शहर के अंदर आपको पता है कि समानांतर जो है एसोसिएशन हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम उनके साथ मिलकर और चूंकि हम लोग का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडस्ट्री की हेल्प करता है तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर इंडस्ट्री की हेल्प करें। हम लोग जो है हमारे सदस्य निर्यातक